सात कामचोर गधा। एक व्यापारी था, उसे सामान इधर उधर पहुंचाना होता था। इस कार्य में वह अपने एक गधे को उपयोग में लाता था। एक बार व्यापारी को नमक बाजार पहुंचाना था। वह गधे पर नमक लादकर बाजार की ओर चला। बाजार के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जैसे ही व्यापारी तथा गधा नदी पार करने लगे तो गधे का पैर फिसल गया। गधा नदी में गिर पड़ा। व्यापारी ने बड़ी मुश्किल से उसे सहारा देकर उठाया। गधे के पानी में फिसलने पर कुछ नमक नदी में घुल गया। गधे को अपने पर बोझा कम लगा। वह खुशी खुशी बाजार पहुंचा। अब गधे को जितनी बार भी नमक लाना पड़ता वह नदी में फिसल जाता। उससे गधे का बोझा कम हो जाता, परंतु व्यापारी इससे बहुत दुखी रहता। एक बार व्यापारी ने गधे को पाठ पढ़ाने की सोची। व्यापारी ने गधे पर रुई का गट्ठर लादा। रुई का गट्ठर नमक से बहुत हल्का था, फिर भी गधे की कामचोरी करने की आदत न जा सकी। जैसे ही उन्होंने नदी में प्रवेश किया, गधा पैर फिसलने का बहाना करके नदी में लेट गया। व्यापारी के काफी कोशिश करने पर वह बहुत देर में पानी से उठ सका। रुई ने बहुत सा पानी सोख लिया, उसमें नमक से भी अधिक बोझा हो गया। नदी से बाहर निकलने पर गधे ने अपने ऊपर बहुत अधिक बोझा पाया। अब उससे एक भी कदम आगे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। व्यापारी मन ही मन बहुत खुश था। वह धीरे धीरे चलने के कारण गधे को जोर जोर से डंडा मार रहा था। गधा अपनी कामचोरी पर मन ही मन बहुत पछता रहा था। वह सोच रहा था कि नमक के थोड़े से वजन को कम करने के लिए उसका नदी में फिसल जाना बहुत गलत था। यदि वह नमक ले जाते समय इस प्रकार न फिसलता तो आज यह नौबत न आती। उसे इतना वजन नहीं उठाना पड़ता और न ही उसे मार खानी पड़ती। जैसे तैसे गधा हांफते हुए बाजार पहुंचा। रुई का भारी गट्ठर उतारने पर ही उसके दम में दम आया। अब गधे ने कभी कामचोरी न करने तथा स्वामी के प्रति ईमानदारी होने की शपथ ली। गधा फिर कभी पानी में नहीं गिरा और न ही व्यापारी को दुखी होना पड़ा। शिक्षा: आलस्य एक बड़ा अवगुण है। इससे बहाने बनाना, झूठ बोलना तथा कामचोरी करने जैसे दूसरे अवगुण पैदा होते हैं। इसमें व्यक्ति को स्वयं बड़ी हानि होती है। आलसी तथा कामचोर व्यक्ति का कार्य कभी समय से नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में भी कभी सम्मान नहीं होता है।